नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अगर आप छात्र हैं तो आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो चुका होगा। साथ ही साथ एफिलेटेड कॉलेज की भी क्लासेज अब चल चुकी हैं, तो मैक्सिमम कॉलेज में क्लास चल चुकी है, वहां पर भी अभी भी एडमिशन प्रोसेस हो रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल हमारा खड़ा होता है कि हमारा आइडेंटिटी कार्ड कब बनेगा, यानी कब मिलेगा, क्योंकि फीस रसीद को ले आना ले जाना थोड़ा सा ज़्यादा बोझिल होता है। तो इस वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं कि हमको आईडी कार्ड हमारा कब मिलेगा। इस सब के लिए आपको परेशान होना ही नहीं है। पहली बात तो मैंने ये बोल दिया है कि आपको परेशान किसी के लिए भी नहीं होना है। परेशान आप होंगे तो आप अपने आप को खुद ही परेशान करेंगे। आईडी कार्ड जो है, जब सारा एडमिशन प्रोसेस क्लोज्ड हो जाता है, मेन कैंपस का जब क्लोज्ड हो जाएगा, तो प्रवेश भवन से जो डाटा है वो प्रॉक्टर ऑफिस में भेजा जाएगा। यानी कि जब वहाँ पे डाटा वहाँ से फॉरवर्ड किया जाएगा, उसके बाद आपके आईडी कार्ड की प्रिंटिंग होगी, यानी कि वो छपेगा, फिर आपको आईडी कार्ड मिलेगा। ये सब प्रोसेस होने में लगभग का समय लग सकता है 1-8 महीने का समय। तो आपको जो आपका आईडी कार्ड है वो हो सकता है कि नवंबर में मिले, लेकिन इसके लिए हमको परेशान नहीं होना है। जब तक आपके पास आपका आई कार्ड नहीं मिल पाता है, तब तक जो है आपका जो फीस रसीद है वही आपका एडमिशन कार्ड जो आपका है वही आपका आईडी कार्ड है। आप उसी को लेकर के लाइब्रेरी कार्ड भी बनवा सकते हैं, आप उसी को लेकर के विश्वविद्यालय में एंट्री भी कर सकते हैं, आप उसी को लेकर लाइब्रेरी में जाके पढ़ भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आई कार्ड मेन कैंपस वालों का प्रॉक्टर ऑफिस से मिलेगा, वो सभी कोर्स के विद्यार्थी प्रॉक्टर ऑफिस से ही उनका आई कार्ड मिलेगा। लेकिन अभी इसके लिए परेशान नहीं होना है, अभी इसका जब समय होगा तब हम आपको खुद ही सूचित कर देंगे। आपने इतना प्लेटफॉर्म दिया है तो परेशान क्यों होना है। कॉलेज वालों का जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो कॉलेज से उनको आईडी कार्ड मिलेगा। जब आप सीएमपी के छात्र हैं, आप एडीसी के हैं, आप आईएसडीसी के हैं, तो वो कॉलेज के प्रशासन आपको आई कार्ड प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो कॉलेज से आपको मिलेगा। तो कैंपस वाले बच्चों को कैंपस से और कॉलेज वाले बच्चों को कॉलेज से आई कार्ड मिलेगा। तो इसके लिए इतना माथा पच्ची नहीं करना, ना इसके लिए अपना सर पटकना है। परेशान मत होइए, आप सब बहुत अच्छे छात्र हैं, खूब जी तोड़ मेहनत करिए, खूब मन लगा के पढ़िए। जितना बेहतर करेंगे उतना ही बेहतर आपका परिणाम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।